नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेन फ्री बात देखेंगे क्या होता और उस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो और जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है गर्ग, बंसल एंड घोष। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है मेन फ्री पार्ट। ये क्या होता है? देखिए इससे पहले हम देखते हैं मीन फ्री पाथ को समझने से पहले हम समझते हैं फ्री पाथ क्या होता है। तो देखिए जो फ्री पाथ की जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या लिखी है बुक में। पहले फ्री पाथ के बारे में बताया, फ्री पहले एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के बाद आपको इजी वे में समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई एक रोड है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, इधर पुलिस है, इधर ये बैरिकेटिंग की हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तो क्या है कि पुलिस इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्या करती है, आंसू गैस के गोले दागी, आंसू गैस के जब गोले यहाँ दागी तो स्टूडेंट अब बचने के लिए क्या करेंगे, वो इधर उधर रेंडम मोशन करेंगे। कोई इधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, कोई इधर इधर। तो जो हमारा फ्री पाथ होता है वो क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई टू सक्सेसिव कोलिजन। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन है द पाथ कवर्ड बाई ए मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन कॉल्ड फ्री पाथ। यह फ्री पाथ की द पाथ कवर्ड बाई ए मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव टू सक्सेसिव कोलिजन कॉल्ड फ्री पाथ। तो क्या है कि यहाँ इसने पुलिस ने फोर्स के गोले दागे तो ये जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो बचने के लिए क्या करते हैं, वो इधर उधर भागेंगे। तो एक स्टूडेंट कभी किस स्टूडेंट के जाके टकराएगा, कभी कौन से, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर से भागना शुरू करेगा, फिर से टकराएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ से भागा, इधर भागा, यहाँ किसी स्टूडेंट से टकराया, इधर भागा, यहाँ टकराया, फिर उसने वो अपना जो डायरेक्शन उस चेंज की, इधर भागा, यहाँ टकराया। तो द डायरेक्शन या द डिस्टेंस कवर्ड यहाँ से चल कर जो यहाँ आने में यहाँ टकरोई पहले फिर यहाँ टकरोई, तो सक्सेसिव कोलिजन के मध्य जो पाथ उसने कवर किया वही हमारा फ्री पाथ की जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्वतंत्र कितना चला। तो ये है फ्री पाथ। अब देखिए हमारा मेन फ्री पाथ क्या होता है। ये हो गया फ्री पाथ। जो मेन फ्री पाथ होता है वो होता है, इसकी जो डेफिनेशन है स्टेटमेंट है वो क्या है कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये हमारी मेन फ्री पाथ है और मेन फ्री पाथ है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि एवरेज डिस्टेंस, कि उसने कितनी एवरेज डिस्टेंस कवर की बिटवीन टू सक्सेसिव, मत मान लीजिए ये यहाँ से चला और यहाँ पहले टक्कर हुई और यहाँ बाद में हुई, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो ये डिस्टेंस इसने फ्री पाथ इतना ट्रेवल किया, ये इतना टू एंड सो ऑन, इसी तरह लैम्डा एन। तो द एवरेज तो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस एंड सो ऑन लैम्डा एन, और उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस या टोटल कोलिजन, ये हमारा टोटल कोलिजन को हम उसने यहाँ ये इतनी एवरेज डिस्टेंस कवर करने में एन कोलिजन हुई, तो एन, तो लेमडा क्या है, लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल
नंबर ऑफ कोलिजन, ये हमारा मेन प्रीपात हो गया। अब देखिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि देखिए जो हमारे मेन प्रीपात की जो डेग्रेशन है उसमें किस तरह प्रूव की जाती है, उसमें ट्रम आते हैं वो देखिए। तो ये हमारी है 2R, D इक्वल्स टू 2R। देखिए जो फॉर्मूला होता है मीन प्रीपात का, ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है। बात करें हम KBT की टर्म में, तो KBT और √2π D² पी, यहाँ पर ये जो डी है 2R, डी डायमीटर होता है, R रेडियस है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद अब देखिए जो क्वेश्चन लगाएंगे वो हम बताएंगे आपको कितने कैसे यूज होते हैं इनको। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो डी है वो 2R के इक्वल है, फॉर्मूला में जो डेरिवेशन होती है उसकी वो। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उससे पहले आपको ये बता देते हैं क्या एक होता है माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन। जो हमारा माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है π D² जहाँ पर डी है वो है 2R। और जो हमारा ये होता है माइक्रो, और एक होता है मैक्रो। जो हमारा मैक्रो होता है, देखिए कहाँ मिलेगा, उसके बाद ये भी तो मैक्रोस्कोपिक, हाँ ये है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ये होता है मैक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ये होता है हमारा सिग्मा इंटू एन, जहाँ पर सिग्मा है π D² और डी है हमारा 2R। तो याद रख सकते हैं कि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन होता है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है π D², जहाँ पर डी है 2R। ये जो हमने डी डायमीटर है और आर रेडियस है, ये 2R। उसके बाद ये है एक है मैक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ये होता है सिग्मा इंटू एन। अब देखिए तो हमारे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 2.1, यह है गर्ग मंसल एंड बोस का क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ रेडियस आर, रेडियस दे रखी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 1.37 × 10⁻¹⁰ मीटर। और आगे कह रहा है मूविंग विथ स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी है 1840 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट इट्स माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन। पहला कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन जिसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था वो याद कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है कि मीन फ्री पाथ बता दीजिए, मीन फ्री पाथ ये क्या होगा। अब एक और है जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें कोलिजन की फ्रिक्वेंसी कुछ है, तो वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए जो हमारा सिग्मा होता है वो हमें पता है कितना होता है, सॉल्यूशन देखें, सिग्मा इक्वल्स टू π D² माइक्रोस, ये है माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन। यदि यहाँ पर कहता है ये मैक्रोस्कोपिक, तो यहाँ पर जो हमारा एन
एन इंटू सिग्मा, ये यूज़ करते यहाँ पर एन की वैल्यू दी हुई होती तो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन बता दीजिए, जहाँ पर डी है 2R, तो देखिए के वैल्यू पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4πR2, आर स्क्वायर तो 4πR की वैल्यू रेडियस ऑफ एट मॉलिक्यूल ये है 1.37 × 10⁻¹⁰ मीटर का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 23.6 × 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आ गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट कहें हैं जो क्वेश्चन है उसमें तो ये थर्ड पार्ट दे रखा है, लेकिन हम सेकंड पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कैलकुलेट करेंगे। ये है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2πD²। तो और आपने ये भी पढ़ा होगा एक मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, ये भी होता है KBT√2πD²P, जहाँ पर P प्रेशर है और D इक्वल्स टू 2R। तो आप इसके जो मीन फ्री पाथ है उसके फॉर्मूले देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लेमडा इक्वल्स टू 1.√2π, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है ऑल्सो, क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है πD², माइक्रोस्कोपिक कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 23.6 × 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये एन भी आता है, एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, एन हमें दे रखा है 3 × 10⁻²⁵ मीटर क्यूब। तो ये होता है लैम्डा होता है इन टर्म्स ऑफ एन 1/√2πD²। तो एन की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻²⁵ मीटर क्यूब माइनस, और यह है मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा लैम्डा आएगा, देखिए लैम्डा क्या आएगा, शायद हम यहाँ पर फॉर्मूला वो सही नहीं लगा रहे, देखिए क्योंकि मीन फ्री पाथ है वो अलग अलग टर्म में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है 1/πN(πD²। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 1.3 × 10⁻³⁵ ये हमने वैल्यू ऑल्सो कैलकुलेट की है 23.6 × 10⁻²⁰ ये है मीटर माइनस क्यू, और ये है मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेगा यह करोगे ये आएगा 14 × 10⁻⁸ मीटर, और यहाँ पर मीटर है 140 नैनोमीटर। ये हमारे पास आया मीन फ्री पाथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए और एक मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है, एक तो ये हो गया मीन फ्री पाथ, एक तो हो गया हमारे पास 1/πD²N, उसके बाद एक है 1/√2πN σ, सिग्मा है यहाँ पर πD², तो 1/√2πD²N एक ये फॉर्मूला यूज होता है। अब देखिए हम क्वेश्चन लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले पर मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एग्जांपल 2.2 गर्ग बंसल एंड गॉस से, ए गैस इज अज्यूम टू ओबे मैक्सवेल लॉ। ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2πD²N ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए क्या क्वेश्चन में क्या करा, ए गैस इज अज्यूम टू ओबे मैक्सवेल लॉ ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर डायमीटर एंड
जो पार्ट है उसमें तो कह रहा है कि मोलिकुलर डायमीटर, मोलिकुलर डाया मीटर, और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट डेंसिटी इफ मीन फ्री पाथ एट एच टी पी इज गिवन। एच टी पी पर हमें मीन फ्री पाथ दिया हुआ है 2.85 × 10⁻⁷ मीटर, और यहाँ पर एन की वैल्यू हमें लेनी है 3 × 10⁻²⁵ मीटर क्यूब। तो अब देखिए, एक तो हमें मोलिकुलर डायमीटर याद करना है, डी याद करना है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन फ्री पाथ तो दिया हुआ है, तो ये होता है लैम्डा इक्वल्स टू 1/, जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो मैक्सवेल मैक्सवेलियन वही मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √2π d² एन। हमें डायमीटर तो ज्ञात करना है, तो d² = √2π λ × n, तो ये हो गया √2π × 3.14। लेमडा की वैल्यू हमें दी हुई है 2.85 × 10⁻⁷ मीटर, और इंटू एन की वैल्यू 3 × 10⁻²⁵ मीटर क्यूब। तो अब जब इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये आता है हमारे पास लेम जो डायमीटर आता है वो आता है 1.62 × 10⁻¹0। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये मीटर में आ रहा है, तो 1.26 एंगस्ट्रम। आप जब फॉर्मूला आपको रिमेंबर है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने डायमीटर जो मोलिक्यूल है उसका डायमीटर तो निकाल लिया। अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट डिस्टेंस, आपको नंबर ऑफ कोलिजन ज्ञात करने पर यूनिट डिस्टेंस पर। तो देखिए जो हमारा पार्ट भी है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट डिस्टेंस ये होता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, और ये जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है उसके इन्वर्सली होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द मीन फ्री पाथ। जो हमारा नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट डिस्टेंस है वो है रेसिप्रोकल होता है मीन फ्री पाथ का। तो यहाँ से हमें मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, तो लैम्डा है 2.85 × 10⁻¹ मीटर, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3.15 × 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर और जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे, तो अगली वीडियो में हम देखें तो हमारा मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है, ये तो तब था जब हमें मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मीन फ्री पाथ, और एक मीन फ्री पाथ होता है KBT/√2π d²P। अगली वीडियो में हम इसके जो ये फॉर्मूला उस पर बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।